एक सवाल मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि पार्टी की जीत किस पे सबसे ज्यादा जरूरी है, चुनाव पर या कोरोना पर? कोरोना पर। बढ़ते मामलों को देखते हुए कई पार्टियों ने अपनी बड़ी बड़ी रैलियों को, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। अब ये सवाल इन तमाम सियासी दलों के मन में आ गया कि यार बिना रैली, बिना जनसभा, बिना जनसंचार के ही उन्हें अपना अगला चुनाव या भी जो आने वाला चुनाव है उसमें उतरना होगा। देखिए, अगर तरीका बदल दिया जाए तो ये सब कुछ होगा। चुनाव होंगे, प्रचार भी होगा और सियासी पार्टियों की बात जनता तक आसानी से पहुंचेगी, वो भी सिंगापुर मॉडल को अपनाने के बाद। सिंगापुर मॉडल में क्या था? रैलियां हुई, बातचीत हुई, बिना शोर शराबे, हो हंगामा और भीड़ के बिना ही सुरक्षित चुनाव सिंगापुर में हो गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिंगापुर मॉडल को अपनाना चाहिए। सिंगापुर मॉडल क्या है? 10 जुलाई 2020 में सिंगापुर में 13वीं संसदीय चुनाव हुए। राजनीतिक दलों को परंपरागत तरीके से चुनाव प्रचार करने या फिर शारीरिक रैलियों को करने की अनुमति नहीं दी थी। जैसे अभी आप रैली देखते हो ना, ये वही रैली है जिसमें लोग आ रहे हैं, भीड़ जुट रही है, हाथ मिला रहे हैं ना, सब चीज, वो उसकी अनुमति सिंगापुर में नहीं दी गई। चुनाव कुछ ऐसे लड़ा और चुनावी सभाओं की मंजूरी नहीं मिली। सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हर शहर में ई रैलियों का एक दिन तय किया गया था। अब प्रत्येक पार्टियों को और उनके उम्मीदवारों की रैलियों के लिए एक पर्टिकुलर स्लॉट को बुक कर दिया गया था। राजनीतिक दलों ने रैली के लिए परंपरागत तरीका, जो पुराना तरीका था, उसको छोड़ करके अपनी ई रैली को तुरंत अपना लिया। अब प्रमुख स्थान, जो मेन स्थान होते हैं, वहां पर बड़े बड़े वीडियो स्क्रीन लगाए गए। लोगों ने अपने घर के टीवी स्क्रीन पर, लैपटॉप पर, आईपैड पर, फोन पर इन रैलियों को लगातार देखा। और सबसे बड़ी बात, सभी पार्टियों को नेशनल टीवी पर अपनी बात रखने का बराबर समय मिला। उम्मीदवारों के लिए अधिक मीडिया एयर टाइम निकाला गया। टीवी पर राजनीतिक प्रसारण रिकॉर्ड करने से पहले राजनीतिक दलों को अपनी स्क्रिप्ट जमा करना वहां पर अनिवार्य होगा और जरूरी भी था। पता चला कि नेता आया कि देश के गद्दारों को डैश 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 करना शुरू कर देना, ये जरूरी था। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्क्रिप्ट जमा ना करो और आके स्पॉन्टेनियस या फिर ऑन द स्पॉट एक्सटेम्पोर करना शुरू कर दो, है ना, कि ऐसा ना हो ना कि आपकी स्पीच से कुछ ऐसा ना हो जाए कि दंगे भड़क जाए, है ना, अशांति का माहौल हो जाए। ये स्क्रिप्ट जमा करने से क्या था, एक सुनिश्चित किया गया था किसी के बारे में कुछ ऐसा अपमानजनक बयान ना हो जो नस्लीय या फिर धार्मिक तनाव का कारण बन सके, इसलिए स्क्रिप्ट को जमा किया गया था। अच्छा, कार्यकर्ताओं से कहा गया 1-to-1 कर सकते हैं। उनसे कहा गया कि आप घर घर जाकर के प्रचार कर सकते हैं, अनुमति है, लेकिन यह भी शर्त है कि आपका जो ग्रुप होगा 5 लोगों से ज्यादा नहीं होगा। धारा 144 जब लगती है तो उसमें 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, कुछ उस तरह का खास समझिए इसमें आप। अब यह भी कहा गया कि प्रत्येक जो ग्रुप है दूसरे ग्रुप से तकरीबन 1 मीटर की दूरी बनाएगा, मास्क पहनेगा, अपनी बातचीत को संक्षिप्त रखेगा और हाथ मिलाने से सिंपल बचेगा। ये सख्त निर्देश आदेश थे। ऐसा सब कुछ हुआ, पालन हुआ, डिजिटल मीडिया की वजह से वहां का चुनाव सुरक्षित हुआ। जान है तो जहान है, मोदी जी का ही तो भाषण है, तो इस पर भी डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो रैली होती है ना, इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, जनता का नुकसान ही होता है। और ई रैली का फायदा, मतलब ये जो पारंपरिक तरीके से जो बड़ी बड़ी रैली की जाती है, इसका नुकसान क्या है और इसका फायदा बहुत ज्यादा भी नहीं है, वो मैंने अपनी इस वीडियो में समझा रखा है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं बहुत आसानी से। यहां पर चलते चलते एक सवाल मेरे मन में तुरंत आ गया कि जब मैंने कमेंट पढ़ा आप लोगों का, एक ने मेरे से पूछा कि वैभव भाई, ये जो बीजेपी है ना, ये चुनाव से ठीक पहले ना समाजवादी पार्टी पर लगातार छापे मार रही है, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप पब्लिक से पूछेंगे तो पब्लिक के दिमाग में एक बात बैठी हुई है, बैठ इसलिए गई है कि वो लगातार इस चीज को देख रही है। पब्लिक को पता है कि देखो जैसे ही चुनाव आते हैं तो विपक्षी दलों पर छापे मारे जाते हैं, छापे की वजह इनको परेशान किया जाए, इनको डराया जाए, इनको धमकाया जाए और इनकी स्थिति को थोड़ा सा कमजोर किया जाए, इसलिए छापे बीजेपी लगातार मारती है। एक तरह से लोगों के अंदर बैठा हुआ है और ये देख रही है पब्लिक, समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार छापे पड़ रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि इन छापों से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा कि फायदा होगा? अब प्रथम दृष्टया तो मैं ये कहूं कि फायदा होता ही दिखाई दे रहा। अब आप अगला सवाल होगा कि फायदा किस रूप में, क्या सहानुभूति मिल रही है? हो सकता है कि सहानुभूति मिल रही हो, लेकिन देखो पहले आपको बताऊं कि जब सरकार की तरफ से एजेंसियां आती हैं, जब छापे उत्तर प्रदेश में आकर के मारती हैं, तो वो गलत जैन साहब पर छापे मारती हैं। बहुत शोर शराबा हुआ, 200 करोड़ पकड़े गए, समाजवादी पार्टी का नेता है, लिंक जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो बीजेपी का व्यक्ति निकला, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से। अखिलेश यादव में चुटकी लेते हैं कि हमारा व्यक्ति नहीं, गलत आदमी पर आपने छापा मारा, जो जैन साहब है वो ये है। जो केंद्र की जांच एजेंसियां थी, ईडी सब कुछ पहुंच गई इनके पास, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनके उन जैन साहब के पास कुछ नहीं मिला।
अब अखिलेश यादव एक सहानुभूति चाहे तो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये बीजेपी वाले सिर्फ हमें परेशान कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं और कुछ भी नहीं मिला है, लगातार परेशान कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो जनता है उसका जन समर्थन मिल भी जाए और शायद जन भावना भी इनके साथ जुड़ जाए, सहानुभूति भी मिल जाए, हो भी सकता है। लेकिन सहानुभूति मिलेगी ही मिलेगी, ये जरूरी है या नहीं है, लेकिन एक वजह सहानुभूति की समाजवादी पार्टी को दे दी गई है कि परेशान किया जा रहा है और हमारे लोगों के पास कुछ नहीं मिल रहा है। एक वजह तो जरूर दे दी है, इस घटना को इस तरीके से देखा समझा और वीडियो को शेयर किया जाना चाहिए। 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। एनआई न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट्रियन मेंबरशिप जरूर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।